हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे पीनट बटर आपकी डेली लाइफस्टाइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है भैया कि आप लोग पीनट बटर देख तो रहे हैं, लेकिन भैया कौन सा पीनट बटर लें जो कि आपके लिए बेस्ट हो, मतलब आपके लिए बेस्ट ब्रांड कौन सी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी पर्सनल तीन चॉइस की बेस्ट ब्रांड है जिनको मैं यूज़ करता हूँ अभी भी मेरे पास मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो तीनों की आज आपको मैं रैंकिंग करके बताऊंगा कौन सी बढ़िया, किसको आप ले सकते हैं, और यहाँ पे एक जो होगा वो आपकी पर्सनल चॉइस भी होनी चाहिए, आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, वैसे अगर पीनट बटर की बात करें तो पीनट बटर का मतलब सिंपल है, आपको पता है कि भाई मूंगफली का मक्खन, यानी मूंगफली का मक्खन होता है, उसको पीस करके बनाया जाता है। अब यहाँ होता है क्या है कि भाई काफी सारी कंपनियां ऐसी चीजें करती है कि भाई जिसमें कुछ आर्टिफिशियल मतलब कह सकते हैं कि फ्लेवर या सब्सटेंसेस मिला दिए, जो कि आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास तीन पीनट बटर मौजूद है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला पीनट बटर मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है डॉक्टर ओटकर का पीनट बटर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और दूसरा मेरे पास यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये है मसल ब्लेस का चॉकलेट पीनट बटर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मेरा यहाँ पे, और तीसरा आता है मेरा यहाँ पे सन ड्रॉप का पीनट बटर, ये आता है तीसरे नंबर पर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपको और जानना जरूरी है कि भैया इन तीनों में से भी कोई एक ही आपका बनेगा, मतलब कोई एक ही आपको चूज करना है। आपके दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर ओटकर की, मैं इसको भी यूज करता था, मेरे पास आप देख सकते हैं बॉक्स मौजूद है। अब यहाँ डॉक्टर ओटकर की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको पड़ता है मात्र 275 रुपए का, 925 ग्राम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 925 ग्राम के आसपास पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है भैया इसके इंग्रीडियंट में, मैं इसको यूज कर रहा था टेस्ट वाइज, नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ये मेरे इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है, क्योंकि भैया टेस्ट वगैरह इसका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि भैया इसमें शुगर बहुत ज्यादा मौजूद है, जब आप इसको खाते हैं ना तो वहां पे कहीं ना कहीं ब्लोटिंग होती है, मतलब मैं कह सकता हूं आपको भाई जिन लोगों का स्टमक थोड़ा सेंसिटिव है, जो लोगों को डाइजेशन वगैरह का काफी ज्यादा इशू रहता है, तो वो लोग अगर इसको लेंगे ना तो उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ही हो सकती है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैंने यूज करा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इसके मैंने 3-4 बॉक्सेस खाए थे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने करा था, ठीक है, नो डाउट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको ब्लोटिंग होगी, थोड़ा हैवीनेस लगेगा, और थोड़ा सा आपको सॉल्टी सा थोड़ा ज्यादा लगेगा, मतलब है स्वीटन वाला, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्टी सा थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके थोड़ा नमक ज्यादा मात्रा में है। क्योंकि ओवरऑल देखिए दोस्तों, चीज ये निकल करके आती है, ये जो डॉक्टर ओटकर वाला पीनट बटर है, ये भी उतना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आपको कहूंगा आप इसको ऐड कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली है, ये आपको 275 रुपए का लगभग 1 किलो मिलता है, तो यहाँ पे आपको नो डाउट अच्छी चीज मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत इश्यूज आपको फेस करने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर जो पीनट बटर आता है, ये कह सकते हैं कि मेरी पर्सनल चॉइस है, इसको मैं अभी भी यूज करता हूँ, लेकिन इससे भी बढ़िया कुछ मेरे पास मौजूद है जिसको अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करें, देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास सन ड्रॉप का पीनट बटर, जो कि क्रंची 100% नेचुरल हाई प्रोटीन अनस्वीटन, मतलब इसके अंदर ना सॉल्ट है ना शुगर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आपको देखने को मिलती है कि भैया स्वाद आपको टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि भैया इसके अंदर जरा भी स्वीटनेस नहीं है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं काफी सारे परेशान होते हैं कि भाई बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, कुछ हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज आपको और बताता हूँ, जब ये खत्म होने वाला होता है, यहाँ पे जब नीचे एंड पर पहुंचता है, तो एंड होने वाले टाइम पर जब नीचे होता है, तो ये पीनट बटर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सूखा सूखा रहता है, क्योंकि भाई जो इसका ऑयल होता है वो पूरा का पूरा ऊपर रहता है, मतलब जो इसका ऑयल होता है जब फ्रेश होता है तो यहाँ पूरा का पूरा ऊपर होता है, आपको सामने क्लिप्स दिख जाएंगे। लेकिन जब बाद में एंड हो रहा होता है, तो यहाँ पे नीचे वाला पूरा जो पोर्शन होता है ड्राई हो जाता है, आप उसको खा नहीं सकते, मतलब ब्रेड पे ही लगा करके आप नहीं खा पाएंगे, इतना सूखा रहता है। तो बाकी देखिए, इसके अंदर सॉल्ट नहीं है, शुगर नहीं है, बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ब्लोटिंग नहीं है, टेस्ट वाइज एकदम बढ़िया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि आपका नीचे का जो पीनट बटर इतना जो आता है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मतलब आपका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि मिक्स नहीं हो पाता, और थोड़ा बहुत रह जाता है कहीं ना कहीं, और आपका इतना पीनट बटर है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। मतलब मान के चले, अगर आपने 1 किलो परचेस करा, ये आपका है जैसे 245 के आसपास अगर आपका ये आता है, ठीक है, 245 नहीं, 275 के अगर आसपास ये आता है आपका 924 ग्राम, तो कहीं ना कहीं आपका 200 ग्राम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये कॉस्टली पड़ जाता है आपको, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन वेस्ट हो रहा है। वैसे मैं तो खा लेता था, लेकिन क्या पता आप में से काफ़ी सारे लोग ना खा पाए, तो यहाँ पे इस चीज़ में ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे बताऊँ आपको, वैसे ये प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा है, इस प्राइस रेंज में एकदम आप बेस्ट कह सकते हैं। अब दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा तीसरा और आखिरी पीनट बटर आता है, वो है दोस्तों हमारा मसल ब्लेस का चॉकलेट पीनट बटर। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा हाई प्रोटीन पीनट बटर, एज कम्पेयर टू इसके यहाँ पे मतलब जितने बाकी दो बताए उनके तुलना में आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत वे प्रोटीन भी ऐड है। मतलब बाकी जो दो पीनट बटर थे, इनके अंदर वे प्रोटीन ऐड नहीं था, तो इनके अंदर आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत वे प्रोटीन ऐड है, क्योंकि भाई आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोटीन की ब्रांड भी, आप मसल ब्लेस को तो जानते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन की ब्रांड है, तो इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एडेड है। और यहाँ पे अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूँ, यहाँ पे इसका कंटेंट थोड़ा सा यूनिक मिलता है, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको मिलता है लगभग 100 ग्राम में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 600 कैलोरीज, और यहाँ पे आपको
आपको मिलता है प्रोटीन 19 ग्राम, और यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है 35.7 ग्राम, और यहाँ पे आपको मिलता है टोटल शुगर 19 ग्राम। और आपको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाई इसकी जो प्रोफाइल है उनकी तुलना में थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी जो पीनट बटर है उनकी तुलना में। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं भाई, कोई लोग बल्किंग करना चाहते हैं भाई कोई अच्छा सा पीनट बटर लें, कई लोगों को नॉर्मल पीनट बटर जो आता है इसका टेस्ट नहीं पसंद आता, कहते हैं भाई पीनट्स नहीं खाए जाते भाई बेकार लग रहा है, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो पीनट बटर है ना, पीनट्स बटर जितने भी हैं सारे के सारे भैया, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। यदि आप लोग इनको सही से यूज़ करते हैं, जो भी पीनट बटर है उनको आप लोग अच्छे से यूज़ करते हैं, तो भैया आपकी बॉडी में वेट गेन, आपकी बॉडी में मसल गेन, आपके हार्ट हेल्दी रहेगा, आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और ये आपकी बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, सच बताऊँ आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे आप सारी चीज़ें देखते हैं, आप इसका शेक बना सकते हैं, आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे ये पीनट बटर हो चाहे कोई पीनट बटर। अब यहाँ पे ये पीनट बटर है तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब टेस्ट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जैसे किशमिश हो गया कुछ चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये ऑल इन वन है, आप यहाँ पे प्राइस पे कर रहे हैं लगभग 550 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है। यहाँ पे आपको 550 रुपीज़ में यहाँ पे आपको 1 kg मिल रहा है, और 1 kg आपका आराम से 10 से 15 दिन के आसपास चल जाएगा, और यहाँ पे आप इसको आराम से स्मूदी शेक वगैरह बना करके यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आप किशमिश लेते हैं या आप खजूर लेते हैं या आप कुछ ऐसे कोको पाउडर लेते हैं, कॉफ़ी पाउडर डालते हैं अपना मास गेन का कोई शेक बनाने, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लेवर के कुछ डालना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको फ्लेवर के लिए भी कुछ नहीं डालना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्लेवर खुद के अंदर इसके अंदर है, आपको चॉकलेट क्रंची फ्लेवर में मिल रहा है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप लोग इस पीनट बटर को एक बार जरूर ट्राई करें, बाकी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अभी जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है तो मैं इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ इस समय पर, मतलब लास्ट के 2-3 बार से आप कह सकते हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक बॉक्स मौजूद है, बाकी जो 2-3 बॉक्स हैं वो फेंक दिए थे, अभी आप जैसे देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है। अगर आपको लग रहा हूँ मैं फेंक रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको दिख सकता है अभी इसके अंदर है मौजूद, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी स्क्रीन वगैरह पे, आप वीडियो देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैं तो एक बार आपको दोस्तों जरूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस पीनट बटर को ट्राई करें। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो इस लिस्ट में हमारे नंबर 1 पर जो आता है सबसे पहले नंबर, वो है हमारा मसल बेस का चॉकलेट पीनट बटर, फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा ये पीनट बटर जो कि सन ड्रॉप का पीनट बटर, तीसरे नंबर पर आता है हमारा डॉक्टर ओटकर का पीनट बटर। ये तीनों पीनट बटर हमारे इंडिया में कह सकते हैं सबसे बेस्ट और सबसे कम प्राइस में आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, भाई जिस हिसाब से आप प्राइस पे करें उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन भी रखा करें। आप सोचते हैं कि भाई मैं 550 रुपये पे कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ही ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए मतलब जो कि 1000, 2000, 4000, 10000 वाली चीज़ होती है, तो भाई उसके हिसाब से आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो लोग प्राइस पे कर रहे हैं ना उसके हिसाब से आपको तीन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ पे पीनट बटर के जो भी यूज़ है मैंने वो भी आपको बता दिया कि भाई अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो भैया पीनट बटर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो जितना बढ़ाना चाहते हैं पीनट बटर अपनी डाइट में जरूर ऐड रखेंगे। और अगर आप लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ढूंढ रहे हैं कि भाई मैं सुबह को चाय पीना छोड़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी पीनट बटर आपका एक बहुत ही हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारे के सारे पीनट बटर के बारे में बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।